हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू अशूज किचन। आज की हमारी रेसिपी है लादी पाव, और लादी पाव आज हम कुकर में बनाएंगे। वैसे लादी पाव तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो ही जाते हैं, लेकिन घर में भी हम इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूले फूले जालीदार लादी पाव बने हैं। इसे दबाने के बाद भी ये एकदम ऊपर आ रहे हैं, एकदम फूले फूले लादी पाव बहुत ही बढ़िया बने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लादी पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क, 1 टीस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून शक्कर। पहले हम दूध को गर्म करेंगे। पाव बनाने के लिए हमें गर्म दूध की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे हल्का गरम दूध चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम दूध की ज़रूरत नहीं है। दूध गरम हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद उसमें 1 टीस्पून ईस्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ईस्ट कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है। अगर आपकी ईस्ट अच्छी तरीके से फूली नहीं है तो आप 5 मिनट के लिए वेट करिए और उसके बाद आगे की प्रोसेस कीजिए। ईस्ट का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में। अब हम आटा लगाएंगे, 1 कप मैदा और 1/2 छोटी चम्मच नमक, और बाद में हमें 4 टेबल स्पून मैदा लगेगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ईस्ट मैदे में डाल देंगे। अभी हम ईस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मैदे में और इसे कंटिन्यूसली 15 मिनट तक हाथ से फेटेंगे, ताकि पाव जो है वो एकदम फूले फूले और जालीदार बने, एकदम बेकरी जैसे। इस प्रोसेस में थोड़ी मेहनत है, लेकिन पाव बहुत ही अच्छे बनते हैं थोड़ा फेंटने से। 5 मिनट फेंटने के बाद अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। पहले थोड़ा डाल देंगे और बाद में थोड़ा डाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से फेंटेंगे। टोटल 15 मिनट तक हमें इसे फेंटना है। और अब आप देख सकते हैं आटे की कंसिस्टेंसी कैसी है। सेम ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। और अब हम इसे थोड़ा स्क्रेपर से निकाल लेंगे साइड्स का, और इसमें 1 चम्मच बटर लेंगे। ये बटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इसे मेल्ट करके नहीं लेना है और फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली इसमें नहीं ऐड करना है। अब बटर डालने के बाद हमें और 5 मिनट फेंटना है, मतलब टोटल हमें 20 मिनट्स इसको फेंटना है। अभी टोटल 20 मिनट्स फेंटने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और थोड़ा हाथ में ऑयल लगा के आटे को उस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। वो थोड़ा सा आटे को चारों ओर से ऑयल में मसल लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 2 घंटे तक रखेंगे। अब आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आटा सेट हो चुका है। अब हम आटे को थोड़ा साइड में रखेंगे और एक बोर्ड लेंगे और उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और आटे को उस पर मसल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जालीदार आटा बन चुका है। अभी हम आटे को मसल लेंगे। आटे को हल्के हाथ से मसलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं मसलना। परफेक्ट बेकरी जैसे लादी पाव बनाने के लिए हमें ऐसा ही आटा चाहिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, सेम ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है।
दो तीन बार सूखा आटा डाल के हमें इसे मसलना है। लगातार 5 मिनट के लिए हम इसे मसलेंगे। और अब जिस टिन में या बर्तन में हमें पाव बनाने हैं उस टिन को ग्रीस करेंगे, तेल या घी से या बटर से। हमें इसे अच्छी तरीके से ग्रीस करना है, चारों ओर साइड्स को भी हमें इसको ग्रीस करना है। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम का स्क्वायर टिन लिया है, आप चाहे तो राउंड टिन भी ले सकते हैं। अब हम आटे को इक्वल पार्ट में कट करेंगे और उसके बॉल तैयार करेंगे। हमें आटे को इक्वल पार्ट में ही कट करना है, छोटा या बड़ा साइज में नहीं चाहिए, सारे बॉल्स सेम साइज के चाहिए। अब हम इस आटे के बॉल बनाएंगे और हाथ पे रोल करके हमें इसके बॉल बनाने हैं। अगर आटा हाथ पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे बॉल्स बनके रेडी है और अब हम इसको टिन में रख देंगे। इसको टिन में रखते वक्त भी आपको हाथ पे थोड़ा सा इसे रोल करना है, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं रखने हैं, थोड़े पास पास में ही बॉल्स रखने हैं। अभी आप देख सकते हैं सारे बॉल्स हमने टिन में रख दिए हैं और अब हम इसे गीले कपड़े से ढक के 1 घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद आटा बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है और ऊपर आ गया है। सेम ऐसा ही आटा हमें चाहिए, तभी हमारे लादी पाव जो है वो जालीदार और परफेक्ट बेकरी के जैसे बनेंगे। अब हम कुकर लेंगे और उसमें 1 कप नमक डाल देंगे, जो हम डेली में यूज़ करते हैं वही नमक हमें लेना है और इसे चारों ओर फैलाना है कुकर में। अब हम इस पर एक स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर ये कुकर की जाली रख देंगे और कुकर को हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करेंगे। कुकर के लीड का गैस्केट रिंग निकाल लेंगे और सीटी भी निकाल लेंगे। हमारा आटा तो अच्छे तरीके से सेट हो ही गया है, वो ऊपर तक फूल के आया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा दूध से ग्रीस करेंगे। दूध से ग्रीस करने से पाव का कलर बहुत ही अच्छा आता है। 10 मिनट हो गए हैं और अब हम कुकर का ढक्कन निकालेंगे और हाथ से चेक करेंगे। हाथ को अच्छे से गर्म लग रहा है, मतलब कुकर अच्छे तरीके से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इस टिन को कुकर में रख देंगे और इसे ढक के 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप एक बार खोल के देख सकते हैं। पाव बहुत ही बढ़िया बेक हो चुके हैं और अगर आपके पाव अच्छी तरीके से बेक नहीं हुए तो आप इसे और 5 मिनट के लिए रख दें और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको बटर लगाएंगे। बटर लगाने से इसको शाइन बहुत ही अच्छी आएगी, इसका कलर और निखर के आएगा और पाव सॉफ्ट भी बनेंगे। अब हम पाव को गीले कपड़े से ढक के 1/2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। 1/2 घंटा हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सॉफ्ट पाव बने हैं। अब हम नाइफ से इसके साइड्स को लूज़ करेंगे। वैसे लूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम बेकरी जैसे लादी पाव बने हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर एकदम परफेक्ट बेकरी के जैसा आ गया है। इसे दबाने के बाद भी ये फूल के ऊपर आ रहा है, एकदम बढ़िया परफेक्ट जालीदार लादी पाव बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू, हैप्पी कुकिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।